ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू सी अ यूजर डिफाइंड फंक्शन। हम दो जगह क्रिएट करने वाले हैं, एक इंटरेक्टिव मोड में और एक करेंगे स्क्रिप्ट मोड में। सो लेट अस मेक द फंक्शन। फंक्शन बनाने के लिए रूल है यूज द वर्ड डीएफ स्पेस नेम ऑफ द फंक्शन। चलो मेरा अपना खुद का फंक्शन है तो मैं फंक्शन का नाम रखता हूँ एक्स वाई जेड, और चूंकि फंक्शन है तो इट विल हैव दिस ब्रेसेस एंड इट विल एंड विद अ कोलन। या ये फंक्शन क्या करने वाला है, ये सिंपल दो तीन लाइन प्रिंट करने वाला है। प्रिंट करेगा क्या, प्रिंट करेगा इट विल प्रिंट योर स्कूल नेम पी रवान। व्हाट इट विल डू मोर, इट विल प्रिंट योर सिटी नेम बीबीजेड। ऑलराइट, ओवर। और चलो एक काम और कर देते हैं, इट विल प्रिंट द मैसेज बाय। सो दिस इज व्हाट माय फंक्शन इज गोइंग टू डू। एंटर दबाया तो जिस एक्सपेक्टिंग मोर लाइन, मुझे और नहीं लिखना है। तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू पुट अ बैकस्पेस एंड आई एम गोइंग टू प्रेस एंटर। आ गया। अब नाउ हाउ दीस थ्री लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, आई हैव क्रिएटेड द डेफिनेशन। मैंने ये डेफिनेशन तो बना दी, ये है डेफिनेशन बन गई। नाउ इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट दिस वन यू हैव टू मेक अ कॉल, बट नहीं करते हम कॉल, हम इंटरेक्टिव विंडो में हम दूसरा काम करते हैं कि मुझे पता करना है कि व्हाट इज 9 + 9। सो आई हैव डन दिस, 18 आ गया। अब मुझे वो तीन लाइन की जरूरत है, मुझे फंक्शन कॉल करना है, तो व्हाट आई हैव टू डू एक्स वाई जेड एंड एंटर कॉल। जितनी बार करूंगा उतनी बार वो तीनों लाइन एग्जीक्यूट हो जा रहे हैं जो भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर है। दिस वन इज क्लियर टू एवरीवन? यस यस नो प्लीज ओके। नेक्स्ट थिंग, नाउ वी आर गोइंग टू क्रिएट द सेम फंक्शन। अभी इंटरेक्टिव विंडो में मैंने बनाया, इंटरेक्टिव विंडो क्लोज किया, मैं फिर से पाइथन चालू करता हूं, मेरा जो कुछ भी इंटरेक्टिव विंडो में था सब चला गया है। इसमें जाके मैं फिर से एक्स वाई जेड नाम का फंक्शन कॉल करने की कोशिश करता हूँ, तो वो बोलेगा भैया एरर, बिकॉज दैट फंक्शन इज नो लॉन्गर देयर इन द मेमोरी, नाइदर इट वॉज सेव बिकॉज इट इज इंटरेक्टिव मोड। तो ये अब मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। सो वॉट इज द सोल्यूशन फॉर दैट, आई हैव, आई विल राइट दिस फंक्शन इन अ स्क्रिप्ट मोड। नई फाइल ओपन करता हूँ, सेम फंक्शन लिखता हूँ डी ई एफ एक्स वाई जेड alone and I'll use the same thing, I'll use three print line, print the name of the school, then print the name of the city, and then print a bye message, bye. Maine wo same cheeze yahan pe likhi. All right, so the first thing, I'll save it in the folder, let it be cs1 and the name be func2.py. ye mere program ka naam ho gaya. So when I will run, what is going to happen? That was the first question I asked. So jaise ki sab do logon ne kaha ki kuch nahi dikhega output, us output mein ek ne shubham ne kaha ki sir yahi pe hame call karna padega, usko hum baad mein dekhte hain, main yahan pe call nahi kar raha hu, main isko seedha run karunga तो कुछ नहीं दिखेगा। ऑफ कोर्स दैट इज करेक्ट। हाँ, बट ये मैसेज दिख रहा है कि भाई अभी प्रोग्राम की मेमोरी में कौन बैठा हुआ है, फंक्शन 2.py नाम का प्रोग्राम बैठा हुआ है, मींस द कोडिंग इज देयर इन इट्स मेमोरी। ऑलराइट, सो व्हेन आई विल कॉल द फंक्शन एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये लाइन लिख रहा हूं, तो देखो ये बकायदा कॉल हो रहा है। फिर मैं दूसरा काम करता हूँ, प्रिंट 8 + 6 आंसर दिया, फिर मैं कॉल करता हूँ X, Y, Z, and it will do the work. Now what I'll do? I'll do something else. तो इस फंक्शन को कॉल करने से आउटपुट नहीं आ रहा है, इस फंक्शन को रन करने से आउटपुट नहीं आ रहा है, कॉल करने से आ रहा है। मतलब when I am running this program for the, when I run it for the first time, तो ये देखो ये बस इतना ही दिखाया था और ये कर्सर तक था, मुझे ये मैनुअली लिखना पड़ रहा है XYZ, तब वो कॉल हो रहा है। अब मैं एक काम यहाँ और करता हूँ कि मेमोरी में मैं एक और नया दूसरा कोई पाइथन का प्रोग्राम ले आता हूँ। लेट मी ब्रिंग ओपन अ डिफरेंट प्रोग्राम फाइल, ओपन। ठीक, अब ओपन में मैं यहाँ पे एक तो ये फॉर वाला पुराना तुम्हारा बना हुआ है प्रोग्राम, इसको ओपन करता हूँ। दिस इज अ सिंपल प्रोग्राम रेंज प्रिंट करने का, रन करता हूँ, लेट मी रन इट। सो यू कैन सी इन द इंटरेक्टिव मोड, जस्ट मोमेंट। अच्छा, वो प्रोग्राम कुछ कर नहीं रहा था क्या? प्रोग्राम तो मैं देखा ही नहीं, आउटपुट नहीं था क्या? जस्ट अ मोमेंट, आई चूज़न अ रॉन्ग प्रोग्राम। 50 से 100, अच्छा ये तो इन्फिनिटी वाला चल रहा था, 50 से 100 टू फाइल
सेव आउटपुट क्यों नहीं आया, क्योंकि इसका कोई आउटपुट था ही नहीं। अब ये होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन कर रहा हूँ फॉर लूप को, तो सीट ये प्रिंट कर रहा है 50 से लेके 98 तक का प्रिंट कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन वॉज, अगर मैं यहां फिर से लिखूं एक्स वाई जेड और वो फंक्शन को, सॉरी अगर मैं यहां लिखूं फिर से वही फंक्शन जो मैंने अभी अभी बनाया है कॉल करूंगा, तो वो एरर देगा ना। तविश ये एरर क्यों दे रहा है, अभी अभी तो ये रन हुआ था यहाँ पे, एक्स वाई जेड लिखने पे आ जा रहा था, एरर क्यों दे रहा है बता सकती है? हाँ बेटा बोल। नेट नेट प्रॉब्लम, मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है। गुरनीश बेटा बता वो एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि पहले उसी प्रोग्राम को रन किए थे। हाँ तो मेमोरी में ये प्रोग्राम था जब ये काम कर रहा था, तो मैंने इसको रन किया था, ये लाइन देखो जो सिलेक्ट की हुई है ये मेमोरी में थी, तो एक्स वाई जेड काम कर रहा है, फिर मैंने बीच में क्या किया एक दूसरा प्रोग्राम को मेमोरी में ले आया, ये जो सिलेक्ट लाइन है अभी अभी ये मैंने ग्रे से सिलेक्ट की, तो अब तो फॉर वाला प्रोग्राम मेमोरी में है, एक्स वाई जेड उसको पहचानेगा ही नहीं, बिकॉज इट इज नॉट देयर इन द मेमोरी, दैट इज व्हाई इट इज गिविंग द एरर। ठीक, सो ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सब प्रॉब्लम को हम दूर कैसे कर सकते हैं? बड़ा सिंपल तरीका है भाई, हम अपने प्रोग्राम में इस डेफिनेशन वाले जहां डिफाइन किया है वहां पे खाली जगह पे हम क्या करेंगे, यहीं पे फंक्शन कॉल लिख देंगे जो शुभम ने बोला। ऑलराइट, फायदा क्या मिलेगा, लेट्स सी। फाइल सेव किया, इंटरेक्टिव विंडो मैंने बंद कर दिया था, मैं रन करता हूं और देखो इंटरेक्टिव विंडो में सीधा क्या दिखाएगा। जैसे ही रन किया तो ये मुझे कॉल नहीं करना पड़ा क्योंकि कॉल वहां बैठा हुआ है, और ये सीधा आ गया। ठीक, अगर मुझे दोबारा कुछ चाहिए, अगर मैं यहाँ पे फिर से एक्स वाई जेड लिख देता हूं तो फिर भी कॉल हो जा रहा है, मैनुअल भी हो रहा है ऑटोमेटिक भी हो रहा है, प्रोग्राम रन करते साथ भी हो रहा है, और चाहूं तो मैं इस तरह से कॉल कर रहा हूं तो भी आ जा रहा है, क्योंकि मेमोरी में है, मेमोरी में जब तक रहेगा एक्स वाई जेड काम करता रहेगा। इज इट क्लियर, यस और नो, प्लीज कंफर्म इट वंस। यस सर। ओके, वन यस ओनली। अरिन, नहीं अरिन, समझ में आया बेटा? आयुष गुप्ता, समझ में आया? यस सर। ओके ठीक, अरिन कहाँ है, बहुत दिन बाद तेरी आवाज सुनूंगा भाई, कहाँ है तू अरिन? यस सर। समझ में आया याला? यस सर। ओके चलो ठीक है। सो दिस इज द बेसिक फंक्शन डेफिनेशन वी हैव सीन, कि डिफाइन कैसे करते हैं, कॉल कैसे करते हैं। यहाँ डेफिनेशन और कॉल का अंतर भी देखा, और दोनों मोड में ये ध्यान दिया कि कब क्या लिखने से एरर थ्रो कर रहा है, कब वो रन कर रहा है। ये सब चीजें इसलिए समझनी जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिकल में यही प्रॉब्लम आता है कि फंक्शन सही बना लिया, कॉल में थोड़ा सा भी गड़बड़ रहे तो आउटपुट नहीं आता है, या फिर मेमोरी में आया ही नहीं है प्रोग्राम और यहाँ पे तुम फंक्शन कॉल किए पड़े हो तो वो अननोन एरर, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड आने लगता है। सो दिस यू शुड बी, इट शुड बी क्लियर टू यू। ओके, सो दिस वॉज अवर फर्स्ट थिंग, लेट अस कंटिन्यू विद द बुक। नाउ बुक में थोड़ा सा आगे देखते हैं और क्या है, जस्ट अ मोमेंट। ओके हियर इट इज, सो दिस इज व्हाट इज बीन शोन हियर। यहाँ पे एक लाइन का फंक्शन दिखाया गया था। ऑलराइट, अब इसी को उसने यहाँ पे, ये देखो इसने स्क्रिप्ट मोड में दिखाया है, स्क्रिप्ट मोड में उसने डेफिनेशन और कॉल दोनों लिख दिया, पर हमने इसको शुरू में नहीं लिखा था तो भी हमारा कॉल हो रहा था, बिकॉज वी वर मैनुअली कॉलिंग इट, हम वहां उसे मैनुअली कॉल कर रहे थे। यहाँ पे ये देखो ये स्क्रीन दिखा रहा है इंटरेक्टिव मोड का। यहाँ पे ये दिखा रहा है स्क्रिप्ट मोड का। ओके, स्पेसेस प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन फंक्शन, इंडेंटेशन जिसे हम कहते हैं, कि आप डेफिनेशन के अंदर लिख रहे हो कि डेफिनेशन के बाहर लिख रहे हो वो बहुत मायने रखता है, वो थोड़ा सा भी इधर का उधर हुआ तो भाई वो गड़बड़ा जाएगा। ओके, एक एरर एनकाउंटर हो सकता है, जैसे यहाँ पे एक दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाई दिस फंक्शन इज गिविंग एन एरर, कोई बता सकता है ये फंक्शन क्यों एरर दे रहा है? सर क्योंकि इंडेंट नहीं रखा है, इंडेंट नहीं रखा है, ये प्रिंट स्टेटमेंट एकदम कोने से चालू कर दिया है लेफ्ट से, इट शुड बी इनसाइड द डेफिनेशन। हाँ, स्पेस मार के या एंटर दबाओगे तो अपने आप वो आ जाता है स्पेस, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर दैट स्पेस।
इसलिए एंटर दबाने के बाद कीबोर्ड के इधर उधर की मत दबाना, ये देखना कि कहाँ पे आपका कर्सर पहुंचा है, वेयर इट इज एक्सपेक्टिंग द नेक्स्ट स्टेटमेंट दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। तो ये जो है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक ये एरर थ्रो कर रहा है। ठीक, लेट अस सी फर्दर। ओके, तो उसे दूर किया गया, यहाँ पे देखो ऊपर वाले प्रोग्राम को दूर किया गया, स्पेस को थोड़ा दूर रख के, स्पेस देके लेफ्ट से। ठीक, सो दैट प्लेज अ वेरी वाइटल रोल फंक्शन में, छोटी छोटी चीज है पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ फिर से देखो एक और दूसरे तरह का एरर, फंक्शन में पहला प्रिंट स्टेटमेंट तो सही जगह लिखा, दूसरा ना लेफ्ट में लिखा ना राइट में लिखा, ना उस जगह, इम्प्रॉपर, मतलब स्पेस बार से दबा दबा के अंदाजन पहुंच गए। ऑलराइट, सो दिस इज ऑल्सो एन एरर। इट इज, ये सब दिखने में खोजने में बड़े कठिन लगते हैं, पढ़ने के कुछ समझ में आता नहीं है, पर ये क्लियर दिखा रहा है। इंडेंटेशन लेवल का एरर जहां बताया तो समझ जाना कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन में आनी चाहिए डेफिनेशन, जो कि नहीं आ रही है, सो दैट इज व्हाई इट इज गिविंग द एरर। ठीक, छोटी छोटी चीजें अभी देख के बड़ा आसान लग रहा है, प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो इनको हम भूल जाते हैं। सो टेक केयर व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिकल। देखो ये जैसे ये प्रॉपर इंडेंट फॉलो कर रहा है, हैव अ लुक एट इट, ये पूरा इस कोलोन की लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे आ रहा है डेफिनेशन, सो इट विल गिव अ प्रॉपर आउटपुट लाइक इट इज शोइंग ऑन द स्क्रीन। चलो ओके, एक ट्रायंगल प्रिंट करना है। ऑलराइट, वी हैव टू प्रिंट अ ट्रायंगल। तो ये देखो ये प्रोग्राम है, छोटा सा बेसिक चीज है, डिफाइन वर्ड यूज हुआ, एक फंक्शन का नाम रखा ट्रायंगल प्रिंट कर रहे तो ट्रायंगल ये, और ये पूरा उसका स्टेटमेंट है, मतलब पूरा ऑब्जेक्टिव लिख दिया, नो नीड टू राइट इट। यू शुड यूज ये सब स्टेटमेंट कहाँ यूज करते हैं, जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, बट ये आपको सिखा रहा है भाई मल्टीपल स्टेटमेंट कैसे देते हैं। तो ये प्रोग्राम की वाली ग्रीन लाइन तो रन नहीं होगी। प्रिंट क्या किया, प्रिंट एक स्टार, प्रिंट दो स्टार, तीन स्टार, चार स्टार, हो गया काम खत्म। जब जब ये फंक्शन कॉल होगा, इस फंक्शन का नाम मैं रखूंगा, तो इस तरह से मेरा पिरामिड प्रिंट हो जाएगा। अ सिंपल थिंग, याद करो जब पाइथन सीखा था सबसे पहले ऐसा करके हम पिरामिड प्रिंट करते थे, और बाद में हमने डबल फॉर लूप, नेस्टेड फॉर लूप की मदद से इस तरह पिरामिड बनाना सीखा था। ठीक है, so this is showing you, this is not teaching you to make triangle, this is teaching you how to create functions। वही पुराने प्रोग्राम को यहाँ पे फंक्शन में यूज कर रहा है। एडवांटेज क्या मिल रहा है, सिर्फ एक लाइन लिखनी पड़ेगी, ट्रायंगल 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 कॉल करना पड़ेगा, और ये सारी की सारी लाइन अपने आप कॉल हो जाए। सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शंस। ओके, अभी कितना मिनट बचा है, 7 मिनट। ओके चलो हो जाएगा। तो हमने अभी जो फंक्शन देखा, ये सब फंक्शन जो है क्या कर रहे थे, ये सब फंक्शन बिना पैरामीटर के थे। नाउ वी आर गोइंग टू सी अ फंक्शन रिटर्निंग अ वैल्यू, फंक्शन कुछ लौटाएगा। फॉर एग्जाम्पल माई फंक्शन, आई एम अ टीचर फंक्शन, ठीक है, मैं टीचर फंक्शन हूं, तो मैं एक डिफॉल्ट फंक्शन भी हो सकता हूं, मैं एक फंक्शन विद अ रिटर्न टाइप भी हो सकता हूं। कैसे, आई एम टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ। ओके, टीचर फंक्शन का काम क्या है, I am a teacher. What is my work? Yes, sir, teaching. Let me ask Himanshi. Mic on kar. Harsh, Himanshi pehle kar chal. Yes, sir. Teacher ka kya kaam hai, beta? Teacher, I am a teacher function. So what should be print statement? Kya kya print reh sakta hai mere andar? Sir, to teach the students. Okay, agreed. Harsh, aur koi kaam hai? सर सेम, सर सेम, अरे टीचर का एक ही काम है, टीच करो, बाकी दुनिया गई कुछ भी हो जाए, है ना, और कोई काम नहीं रहेगा। तेरी कॉपी क्या पड़ोसी मेरा चेक करता है? तो गिव मी अनदर फंक्शन, अनदर वो, तो गाइड करना, गाइड करना, मेंटर बनना, ठीक है, पढ़ाना, ठीक है, जरूरत होने पे काउंसलिंग करना, and of course the other things like copy checking and all those things, creating register, these are all different types of there. So a teacher function can be without return type. Main tumhe padhata hu, theek hai, tumhe madad karta hu, to ye mera ek function ho gaya, I am a function without return type, without any parameter, bracket bhi mera khali hai aur mera return type bhi kuch nahi expect karu, par main wahi pe aisa teacher hu, main ye expect karta hu ki I should get in return something. So being a teacher, I am being paid. So the school is returning me something. So at that time, for a school, the teacher function is a return type function. But for a student, the teacher function is a default function. Do you agree?
यस और नो? यस और नो? यस सर। ठीक, सो फॉर अ स्टूडेंट ऑल्सो इट कैन बी, मैं चाहूं, मैं अगर एक थोड़ा सा अलग टीचर हूं जो ये चाहता है कि भाई मैं फ्री डिफॉल्ट क्यों रहूं, what I should do, I should teach, I should be a written type for the student also. So what I am going to do, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, करूंगा और बोलूंगा कि भाई जब तुम डॉक्टर बन जाओगे और मैं तुम्हारे पास दिखाने आऊं तो मेरे से फीस मत लेना, ये मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी. सो आई एम एक्सपेक्टिंग अ रिटर्न, although that return may be fulfilled or not doesn't matter, but I am expecting a return. मैं तब भी return type बन जा रहा हूँ. ठीक है, मैं साल के आखिरी में टीचर्स डे में I will expect a gift from you. I am a return type function for a student now. All right. So in real life we have the functions जिसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, वो return type, non return type हो सकता है. In Python also it happens the same thing. Python में भी हम return type, non return type function देखने को मिलता है. ये सारी चीजें concept ली गई है real life से ही, कुछ भी चीज अलग से नहीं डाला गया. All right. So let us see a return type function. अब एक return type वाला देखते हैं. एक example लेते हैं. If I give you a question, ये function के पहले, write a program to calculate area of a rectangle. सबको बन जाएगा program ये लिखना? Yes or no? I do expect now you are in 12th, you can make this program. Yes, sir. Yeah. Now if I change it, write a program to calculate area of a rectangle by using function. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, आपका पुराना concept को apply करने बोला एक नए concept के साथ. और यही चीज हम सीख रहे हैं. We are learning the function chapter. And this is the example we are going to see. Calculating the area of a rectangle by using function. चलो भाई, सामने code है, छोटा सा है. ये circle में किसी को कोई तकलीफ? ये दो circle जो मैंने बनाया अभी तक? No sir. और इस सर्कल में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, लास्ट वाली? हाँ, यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, अब तक ये जो अंडरलाइन पोर्शन है वो खाली रहता था, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है मुझे? What do you see here? Two variables. दो वेरिएबल रख रहे हैं. हम क्या सीख रहे हैं? हम सीख रहे हैं फंक्शन विथ रिटर्न टाइप. जब भी फंक्शन रिटर्न टाइप वाला होगा तो उसमें पैरामीटर होगा ही होगा. ये है पैरामीटर, इसको हम कहते हैं पैरामीटर. इसके तीन नाम है, इसको पैरामीटर बोला जाता है, इसको सिग्नेचर बोला जाता है. पैरामीटर, सिग्नेचर और क्या, और एक क्या नाम है, कोई याद दिलाएगा? मैंने यूज किया था पैरामीटर, सिग्नेचर और भूल गया. चलो ठीक है, जब याद आएगा देखूंगा. सो क्या क्या बोला बेटा, नहीं सुनाई दिया? आर्ग्यूमेंट. हाँ ठीक ठीक, आर्ग्यूमेंट, एकदम सही, आर्ग्यूमेंट्स. ये तीनों वर्ड एक ही चीज है, ये ब्रैकेट के अंदर की बात की कर रहा है. सो इफ आई आस्क द क्वेश्चन, हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर इन दिस फंक्शन, तो यू विल से टू. टू क्यों बोला? एक, दो. ऑलराइट, इसमें कोई डेटा टाइप नहीं रहता. लेंथ के अंदर क्या आएगा? डेसिमल आएगा, नंबर आएगा, इंटीजर आएगा, क्योंकि पाइथन में कोई डेटा टाइप होता ही नहीं है. सीधा वेरिएबल नाम लिखो, अपने आप वो ले लेगा जैसा आप यूज करोगे. So I have declared a function with two parameters, two argument. Why? Because I am learning function with return type. Rectangle पता करने के लिए दो ही क्यों रखा? क्योंकि area of rectangle पता करने के लिए भाई length और breadth होना जरूरी है, बिना इसके तो हम पता कर ही नहीं सकते. We cannot do it. All right. So चलो ये length breadth लिया. एक छोटा सा हमने Python का code लिखा जो normal 11th में देखा था, to find the area of a rectangle. ये area नाम का एक नया वेरिएबल डिक्लेयर हुआ और इसमें वैल्यू क्या आएगी? जो कुछ भी लेंथ है, जो कुछ भी ब्रेथ है, उसका मल्टीप्लिकेशन. चलो आ गया. आने के बाद ये एक नया वर्ड दिखा, आखिरी वाला. जस्ट अ मोमेंट, लेट मी क्लियर माय ड्राइंग. रिटर्न एरिया. अब ये फंक्शन क्या बन रहा है? नाउ दिस इज द लाइन विच इज टेलिंग दैट द फंक्शन इज अ रिटर्न टाइप फंक्शन. ये वो रिटर्न टाइप फंक्शन है मेरा. कौन सा रिटर्न टाइप फंक्शन है? ये अभी अभी बनाया एरिया रेक्टेंगल, एक रिटर्न टाइप है. इसके पहले हम रिटर्न वर्ड यूज नहीं कर रहे थे, जो पुराना फंक्शन जो एग्जांपल दिखाया मैंने. तो इस रिटर्न टाइप को यूज करने के लिए मुझे पैरामीटर की जरूरत पड़ती है. दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग दिस आर्ग्यूमेंट्स, दिस पैरामीटर, दिस सिग्नेचर. क्या होगा जब मैं रन करूंगा? हैव अ लुक एट इट. जैसे इस प्रोग्राम को मैं रन करूंगा, चलो एक रन करने से पहले मैं इसे सीधा प्रैक्टिकल में करके दिखाता हूं. ठीक, अब प्रैक्टिकल हम कर रहे हैं तो हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं करेंगे, हम एरिया ऑफ स्क्वायर बनाएंगे. ओके, close this one, let me open a python, इसको भी बंद करता हूँ. ये क्या,